आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जिनत्व का सार है जानो और जियो, जान करके जियो। जानने के लिए जागना जरूरी है, बिना जागे जाना नहीं जा सकता। सोए हुए भी जो जाना जाता है वह सब मानसिक विभ्रम होता है, मन की कल्पनाएं होती है। हम तर्क करेंगे कि नींद में भी तो जाना था, सपना जाना था, सपने को देखा था, लेकिन जो सपने को जाना और देखा था वो सपना ही था, सत्य नहीं था। वो मन की कोरी कल्पनाओं से, मन के भीतर रही हुई कुंठाओं से, मन के भीतर रही हुई कामनाओं से प्रोजेक्ट एक चित्र था और हमने उस चित्र को सपना कहा। तो ठीक ऐसे ही जब हम खुली आंखों से भी अपने मन की कल्पनाओं के रंग भर के देखते हैं तो वह भी तो एक सपना हुआ। अगर रात नींद के अंदर देखा जाने वाला दृश्य सपना कहलाता है तो जो दिन में हम खुली आंखों से देखने पर भी अपने मन की कल्पनाओं के रंग भर करके देखते हैं, अपने मन की कामनाओं के अनुरूप देखते हैं, अपने भीतर बनी हुई कुंठाओं के अनुरूप देखते हैं, वो क्या हुआ? अब एक आदमी मेहनत कर रहा है, कमाना चाहता है, कमा नहीं पा रहा, और दूसरा अमीर आदमी उसके पास से एकदम से गाड़ी लेकर के निकलता है तो क्या कहता है? इन अमीरों को कितना घमंड है। अब अमीर आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा है, उसने तो गरीब आदमी को कुछ भी नहीं कहा, ना उसने अपना घमंड बताया, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? इन अमीरों को कितना घमंड है या नहीं है? नहीं है। अमीर लोग कह रहे हैं हमें तो कोई घमंड नहीं है। लेकिन उस आदमी को लगता है इन अमीरों को कितना घमंड है, और वो क्या कहता है? ये तो सत्य है। वो सत्य नहीं है, वो उसकी अपनी कुंठा है, क्योंकि वो अमीर नहीं हो पाया ना, इसीलिए वो दूसरे को कह रहा है कि इन अमीरों को कितना घमंड है। तो क्या है, जैसे रात नींद में देखा सपना था तो दिन के अंदर जो मेंटल प्रोजेक्शन हुआ वो सपना क्यों नहीं हुआ? आद्य गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने लोगों की जो ये प्रपंच करने वाली आदत है ना उसको जाना, सुना, देखा, क्योंकि ये तो हर युग में रही है। जो पंचायती करने की आदत है ना वो हर युग में रही है। ऐसा कोई समय नहीं आया जब आदमी था और पंचायती नहीं थी। जहां पांच इकट्ठे हुए और उन्होंने एक दूसरे की टांग खिंचाई ना की हो, ऐसा ना तो सतयुग में था और ना कोई कलयुग में, कोई भी समय नहीं आया। देख लो राम का युग बोलते हैं तो वहां कौन से लोग बैठ करके पंचायती नहीं करते थे? हाँ, वो धोबी भी तो बैठ के पंचायती कर रहा था जो सीता के बारे में लांछन लगा रहा था। तो ऐसा कोई युग नहीं आया जब इंसान हो और पंचायती ना होती हो, तो लोग करते रहते थे। तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने देखा कि ये दुनिया एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ रिमार्क्स देती जाती है, थकती नहीं है, और हर आदमी अपने रिमार्क को बिल्कुल सत्य मानता है। हर आदमी अपने रिमार्क को सत्य मानता है। सत्य मानता है तभी तो बोलता है, अगर सत्य नहीं मानता तो बोलता कहीं को। वो सच मानता है, वो कहता है बिल्कुल ठीक है, ये लोग घमंडी है, ये लोग क्रूर है, ये लोग हमारे पसीने की कमाई पे ऐश करते हैं। अब उसको नहीं मिल रहा ना धन, तो वो कहेगा ये लोग हमारे पसीने की कमाई पर ऐश करते हैं। और समीर को पूछो ना कि क्या भाव है तुम्हारा, तो कहेगा मैं इतना विलायत में पढ़ करके लौटा, एक ही मन में तमन्ना थी मेरे भारत के देशवासी भूखे ना मरे, इनको रोजगार मिले, इसलिए मैंने बड़ा प्लांट लगाया है इन सबको ताकि रोजगार दे सकूं। अब उसकी भावना कुछ और है, ठीक है। अब वो भावना सच है या गलत है कुछ नहीं कह सकते, उसकी अपनी भावना है। इस तरह से हर आदमी अपनी भावना के संदर्भ में इस दुनिया को देखता है, दुनिया के लिए कार्य करता है, और फिर भी एक दूसरे की कमी निकाले बिना नहीं रहता। ज्ञानी कहते हैं कि यह सब कुछ आदमी का एक प्रोजेक्ट जो है, आदमी के दिमाग का जो प्रक्षेपण है, जो मानसिक है, ये मानसिकता है सारी सत्य नहीं है, माया है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने जब इस जगत को देखा तो उन्होंने कहा ये सब माया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक ब्रह्म ही सत्य है, संपूर्ण जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या?
क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब अपनी अपनी मानसिक कल्पना में बोल रहे हैं। सत्य क्या है किसी को कैसे पता हो सकता है, और दूसरा क्या है वो कैसे पता चल सकता है, दूसरा आदमी कौन है और कैसा है वो हमें कैसे पता चल सकता है, इसकी कोई प्रक्रिया है? है? हम कहेंगे है, दूसरा आदमी चलता है, खाता है, बोलता है, व्यवहार करता है, तो हमें पता लग जाता है वो आदमी कैसा है, लग जाता है ना कि नहीं लगता? हम सब कहते हैं लग जाता है, और हम सब जानते हैं कि हम भी चलते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कहते हैं, आप मुझे इतना ही मत जाना, मैं कुछ और हूँ, आप मुझे गलत मत मानना, मैं कुछ और कह रहा था, मतलब कह दिया और उसके बाद कहेंगे गलत मत मानना, मैं कुछ और कह रहा था, यानी हम खुद जानते हैं कि हम असक्षम हैं ये बतलाने में कि मैं कहना क्या चाह रहा था, हम लोग असक्षम हैं ये बतलाने में कि हम कहना क्या चाह रहे थे, इसीलिए तो हर बार कहने के बाद हमें कहना पड़ता है कि प्लीज ऐसे मत मानना, मैं हकीकत में ऐसा नहीं ऐसा कहने वाला था, कुछ और कहना चाह रहा था, आप कुछ गलत मत मान लेना। ऐसा क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हमें अपने शब्दों पर असक्षमता का पता है कि ये शब्द मेरे को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, शब्द मेरे को मेरे भावों को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये हम समझ रहे हैं। तो जब दूसरा अपने शब्द बोल रहा है तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि वो जो बोला वो आदमी वैसा ही है? क्या पता वो भी असक्षम है अपने भावनाओं को व्यक्त करने में? जैसे बच्चा है, वो अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन उसके पास में वोकेबुलरी के बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, अभी उसकी भाषा विकसित नहीं हुई है, तो कितने कम शब्दों में अपनी दुनिया की सारी बातें बोल देता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कैसे बोलता है। ऐसे हम सारे लोगों के पास में शब्दों की कितनी सीमितता है, हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन तब भी हम दूसरे को उनके शब्दों से तोलने की, उनके व्यवहार से तोलने की कोशिश करते हैं और फिर मान लेते हैं कि ये इंसान ऐसा है, और फिर हर बार आदमी के एक्सप्रेशंस तो बदलते रहेंगे और तब हम कहेंगे कि इंसानों पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, उस दिन ऐसा कह रहा था आज ऐसा कह रहा था। भैया एक्सप्रेशंस तो बदलेंगे ही ना, शब्द तो बदलेंगे, समयानुसार उसकी समझ भी बदल गई, उसकी भावनाएं भी बदल गई और उसके शब्द भी बदल गए, तो हम तुरंत एक रिमार्क लगाएंगे कि दूसरों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अरे भैया हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, अगर सामने वाला चाहे हमें धोखेबाज कहना तो वो हमारे में से भी कुछ ऐसी विसंगतियां निकाल लेगा और कहेगा कि बड़े धोखेबाज है। अब अगर ऐसे हम शास्त्रों को पढ़े तो उसमें भी बड़ी हैरानी होगी, एक जगह कहा गया उपदेश की जरूरत है और एक जगह कहा गया उपदेश की कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों के रेफरेंस अलग अलग है। एक जगह कहा गया उपदेश की जरूरत है, किसको? जो अभी न्यू कमर है, अभी जानने की इच्छा रखता है तो जाए गुरुओं के पास बैठे उपदेश सुने, और जिस दिन वो खुद दृष्टा हो गया, पश्चिक हो गया, देखने वाला हो गया, तो कहते उपदेश की जरूरत ही नहीं, उद्देश्य पासगस्य नत्थी, अब किसी उपदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं पश्चिक हो गया, सीयर हो गया, देखने वाला हो गया, सत्य को वो खुद ही देख पाता है, तो अब किसी उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं। अब दोनों बातें अलग अलग है, दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, लेकिन पकड़ने वाला आदमी तो इनको भी पकड़ लेगा। शास्त्र में एक जगह तो कहा गया कि गुरु उपदेश सुनो सोचा जाने ही कल्याण, बिना सुने कल्याण को जानोगे ही नहीं तुम, बिना सुने पाप के मार्ग को नहीं जानोगे, और जब तक सुनोगे नहीं तब तक त्यागने वाली चीज क्या उसका पता कैसे चलेगा। एक जगह सुनने की बात कही गई और एक जगह कहा कि अब सुनने की जरूरत नहीं रही, लेकिन दोनों के संदर्भ अलग अलग है। ऐसे हम सबकी जिंदगानी के संदर्भ अलग अलग होते हैं, लेकिन हम फिर भी दूसरों को उनके शब्दों से व्यवहार से दिन भर एक तराजू में तोलते रहते हैं और अपने मन से उनके ऊपर एक टैग लगाते रहते हैं। जैसे आप वस्तुओं के ऊपर लगाते हो ना कि ये 50 रुपये की, ये 500 रुपये की, ये 1000 रुपये की, ऐसे हम इंसानों के ऊपर लगाते रहते हैं, ये 1000 रुपये का इंसान, ये 500 रुपये का इंसान, ये 54 इंसान, ये 58 इंसान, कितने सारे हम इंसानों के ऊपर भी हमारे दिमाग में टैग लगाते रहते हैं। पर हकीकत में एक सवाल पूछो खुद से कि हम दूसरों को कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? वेदांत धर्म के एक अच्छे संत हुए जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ, भारत में हुए, हिमालय के पास उनका जन्म हुआ और वे मस्त योगी हुए, आध्यात्मिक योगी हुए। गृहस्थ में थे
गृहस्थ शादी की, लेकिन उसके बाद में गृहस्थ में नहीं रहते थे, संतों की जिंदगी जीते थे। अकेले गिरी कंदराओं में खूब ध्यान लगाया करते थे, और जब उनको ज्ञान प्रकट हुआ, भीतर से प्रेरणा जागी, तो किसी समय उपदेश देने के लिए अमेरिका पहुंच गए। जब अमेरिका की सभा में उपदेश दे रहे थे किसी समय, तो वहां के कुछ लोगों को स्वामी राम की बातें समझ नहीं पड़ी, और जब समझ नहीं पड़ती तो कई लोग ऐसी बातों को सुन के रिएक्ट कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने भयंकर रिएक्शन किया, रिएक्शन के अंदर बोले तो सड़े गले टमाटर फेंकना, जूते फेंकना, गालियां देना, मतलब जितना अभद्र व्यवहार कर सकते हैं अभद्र व्यवहार भी उन सभ्य लोगों ने, उन भद्र लोगों ने किया। और जब भद्र लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, अभद्र शब्द बोले, तो स्वामी राम वापस सभा पूरी होने पर जिस जगह रुके हुए थे, जिस भी होटल रेस्तरा जहाँ भी रुके हुए रहे होंगे, वो वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ कुछ लोग जो उनके मित्र थे, जो उनके साथ कुछ भारत से गए थे, कुछ अमेरिका के मित्र थे जिन्होंने उनको बुलवाया था, वे सब इकट्ठे बैठे थे। उनमें से कोई एक व्यक्ति बोल पड़ा, आज तो आपका दिन बहुत बुरा रहा ना। जैसे हम लोग बोल ही देते किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो, आज तो आपको सड़े गले टमाटर मिले, इतने अब्यूजिंग वर्ड्स सुनने को मिले, कितनी गालियाँ सुननी पड़ी, आपके बारे में लोगों ने क्या क्या कहा। स्वामी राम बोले, हाँ उन्होंने कहा, राम के बारे में कहा, उन्होंने राम के बारे में कहा, मुझे थोड़ी कहा। तो अमेरिका के लोगों को समझ नहीं आई बात, कैसा कैसे आप कह रहे हो, उन्होंने आपको गाली दी और आप कह रहे हो राम को गाली दी, मुझको गाली नहीं दी। बोले हाँ मुझको गाली नहीं दी, राम को गाली दी है। बोला ये क्या बात हुई, जब गाली आपको मिली तो आप कैसे कह रहे हो राम को गाली दी और आपको गाली नहीं दी। अब उनकी वोकैबुलरी हमें कहाँ समझ में आनी थी। वहां बैठे लोगों ने वापस क्वेश्चन किया, वे बोले अरे ये मेरे बारे में कैसे कह सकते हैं, जो खुद को ही नहीं जानते वो मुझको कहां से जानेंगे। हाँ ये जिसको जानते हैं उसके बारे में कहते हैं, ये मुझको नहीं जानते इसलिए मेरे बारे में ये कुछ भी नहीं कह सकते, और जो खुद को ही नहीं जानता वो मुझे कैसे जान सकता है। जैन दर्शन यही बात कहता है कि जब तक एक आदमी खुद को ना जान ले तब तक वो दूसरे को नहीं जान सकता। और हम सब लोगों को भ्रम है कि मैं फला को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं सब जानता हूं, उसकी क्या चाल है, उसकी क्या योजना है, वो क्या करना चाहता है, उसके मन में कैसी कैसी भावनाएं हैं मेरे प्रति, मैं सब जानता हूं, कैसे जान सकते। आचारांग सूत्र स्पष्ट कहता है जब तक आप स्वयं को पूर्ण रूप से न जान लो तब तक आप किसी अन्य को नहीं जान सकते। जब तक निष्पक्ष होकर न जान लो तब तक किसी अन्य का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और जिस दिन आपको अपना ज्ञान हो जाता है उस दिन आपके लिए अन्य कोई बचता ही नहीं। जिस दिन एक इंसान को अपना ज्ञान हो जाता है उसके बाद उसके लिए अन्य कोई बचता ही नहीं, वह अनन्य में रमण करने लग जाता है। याचारांग का एक सूत्र है, जे अनन्न दंसी से अनन्ना रामे, जे अनन्ना रामे से अनन्न दंसी, जे एगम जानाई से सवम जानाई, जे सवम जानाई से एगम जानाई। जो एक अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जान लेता है वही सर्व को जान सकता है, और जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमण करता है। जो एक को जान लेगा उसके लिए कोई अन्य नहीं बचेगा, कोई पराया नहीं बचेगा, कोई पर नहीं रहेगा। तो स्वामी राम के शब्द बहुत रिमार्केबल है, उन्होंने कहे कि ये मुझे जानते ही नहीं है, मेरे बारे में नहीं कहते, ये जिसको जानते उसके बारे में कहते। मतलब क्या, उन्होंने कहा कि हर आदमी मुझे अपने अपने अंदाज में जानता है, अपनी अपनी सोच के मायनों में जानता है, उसके जैसा पैमाना है वो उसके अनुसार देखता है। और अगर सोने को दूध वाला अपने दूध तोलने के बर्तन में सोने को तोलना चाहे तो कैसे तोलेगा, सोने को कपड़ा फाड़ने वाला आदमी अपना कपड़ा फाड़ने वाले बैरामीटर से पैमाने से उससे सोने को मापना चाहे तो कैसे मापेगा, माप सकता है। सोने को हर आदमी अपने अपने
पैमानों में अगर मापना चाहे कैसे माप सकता है? इस दुनिया में सबके पास अपने अपने पैमाने हैं, और जो लोग हैं उनको वे माप ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम में से हर आदमी दिन रात एक ही काम करता है, दूसरों को जानने का, दूसरों को तुलने का, दूसरों को आंकने का, दूसरों के बारे में बोलने का, दूसरों को किसी तरह से समझने का और अपने आप को समझाने का कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा हूँ जी, मेरे को ऐसा मत ऐसा समझो जी। हम दिन रात अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि जो व्यक्ति स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं है, वो व्यक्ति सम्यक्त्वी है ही नहीं, सच्चा ज्ञानी है ही नहीं, वो समझदार है ही नहीं, वो बैलेंस्ड है ही नहीं। सम्यक्त्वी को सिंपल वर्ड्स में समझो तो वो बैलेंस्ड ही नहीं है। जो खुद बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उसी को दूसरों के सामने अपने आप को प्रूव करना कर पड़ता है। और जो खुद संतुलित है, बैलेंस्ड है, स्वस्थ है, उसे कभी किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ती। आप देखो, कभी राम ने प्रूव किया हो, महावीर ने प्रूव किया हो, या बुद्ध ने प्रूव किया हो, या जितने भी अपन महापुरुषों के जीवन को चरित्रों को सुनते पढ़ते आए, उन्होंने कभी प्रूव करने की कोशिश की हो तो देखना जरा। और हम लोग यहाँ पे दिन रात एक ही कोशिश करते हैं, आप उससे पूछ लो मेरे बारे में, आप उससे जान लो मैं ऐसा नहीं ऐसा हूँ, उसने खुद ने मेरे को देखा था वहाँ पे, मैंने क्या बोला था, मेरे किताबों में क्या लिखा है, आप देख लो। हम हर वक्त प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कई लोग एक दूसरे को बताते हैं, देखो मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, सामने वाला कहते नहीं आया था तुम्हारा फ़ोन, ये देखो मेरी फ़ोन कॉल्स चेक कर लो, वो तुरंत निकाल के बताएगा, प्रूव करते हैं, वो प्रूव करने की कोशिश करेगा। आप नहीं तो मैं सारी डिटेल्स निकाल के बताता हूँ कि मैंने कब कहाँ क्या किया था। हम बिना प्रूव किए तो रहते ही नहीं है, ये पूरा संसार ऐसा ही है। प्रूव किसको करना पड़ता है, सच को या झूठ को, किसको प्रूव करना पड़ता है? हाँ, सूरज प्रूव करने आता है मैं हूँ, मेरे में प्रकाश बहुत है, देखो जरा, वो कभी प्रूव नहीं करता। वो आया है तो प्रकाश आएगा, तुम आंखें खोलो तो दिखलाई पड़ जाएगा, नहीं खोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें छू के चला जाएगा। सूरज अपने आप को कभी प्रकाशित नहीं करता, सत्य स्वयं को कभी प्रकाशित नहीं करता, और महावीर ज्ञानी कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। प्रकाशित और स्टैंप लगाने की आदत हमेशा झूठ को होती है, स्टैंप लगाने की आदत हमेशा झूठ को होती है, सच को स्टाम्प लगाने की जरूरत ही नहीं। तुम समझो तो ठीक, न समझो तो मेरा क्या गया, मैं तो आया हूं चला जाऊंगा। इस दुनिया में सत्य आया है, एक बनावट में प्रकट हुआ है, और तुम उस सत्य को बिना बनावट के पहचान पाए तो ठीक, नहीं तो वो बनावट तो चली जाने वाली है, उसे क्या प्रयोजन कि तुम उसे मानो या न मानो। सत्य को गरज नहीं है कि उसको कोई माने या न माने, ये गरज कि कोई मुझे मानता है या नहीं मानता है, ये हमेशा झूठ को होती है, सत्य को गरज ही नहीं होती। इसलिए सत्य में मान्यता ही नहीं होती, दर्शन होता है। दो शब्दों में अंतर है, दर्शन में और मान्यता में। मानना हमेशा झूठ को पड़ता है, सत्य को माना नहीं जाता, जाना जाता है और देखा जाता है। जाना जाता है सत्य को, देखा जाता है सत्य को, और जहां मानना पड़ता है वहां सच भी अगर माना गया है तो उसके लिए वो सच नहीं है, उसके लिए वो केवल उसकी मान्यता है। और ये मान्यता परस्पर एक दूसरे की विपरीत मान्यताओं से संघर्ष पैदा करवाती है, और यही संघर्ष चाहे धर्म में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संघ में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यापार में हो, हर जगह पर संघर्ष है, क्योंकि हर आदमी सपनों में जीता है। हर आदमी खुली आंखों से भी सपना ही देखता है, बंद आंखों से भी सपना ही देखता है, अपने मन की कल्पनाओं और कुंठाओं का ही दूसरों पर आरोपण करता रहता है। तो जिन सूत्र स्पष्ट कहता है, खुद को जानो तो सबको जान लोगे, खुद को नहीं जाना तो यहाँ दूसरे को जानने का और कोई उपाय नहीं और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए दूसरों को जानने की मशक्कत करना ही पर अध्याय करना, पराध्याय है, स्वाध्याय नहीं है। और पराध्याय मात्र संसार का मार्ग है जो सदा दुखों से भरेगा। इसलिए लोग दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? उनके पास में दो कारण है दुखी रहने का। एक कारण तो ये कि वे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। और दूसरा कारण ये कि दूसरा कोई उनको माने न माने तो इसमें वो हमेशा वेवरिंग माइंड बने रहते हैं, अरे फलाने मेरे बारे में क्या बोल दिया,
फला ने मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं मान लिया, कुछ गलत तो नहीं सोच लिया, अब दूसरों ने मेरे बारे में क्या सोच लिया, यही सोच में हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और इस तरह से हम कभी समकित, संतुलित, बैलेंस्ड, समझदार हो ही नहीं पाते। अगर समाज में सत्य होता, समाज में समझदारी होती, तो समाज के लोग सुखी नहीं हो जाते। आप बताओ जरा, अगर समाजों में सत्य होता, समाजों में समझदारी होती और समाज में सत्य ज्ञान होता, तो समाज तो सारा सुखी हो जाता, परस्पर कोई कलह रहता ही नहीं। लेकिन प्रभु महावीर इस जगत के सत्य को जान रहे थे, गौतम बुद्ध जान रहे थे, आद्य गुरु शंकराचार्य जान रहे थे, स्वामी राम जान रहे थे। और तब उन्होंने एक बात कही, आचारंग सूत्र में एक सूत्र आता है, बहुत गजब का सूत्र है, एकदम क्रांतिकारी सूत्र, हम सबकी मानसिकता से बिल्कुल हटकर के सूत्र है। हम सबकी मान्यता क्या है, अगर कोई एक बात हो, उस बात पे हमें निर्णय लेना हो और 10 आदमी निर्णय लेने वाले हो, तो हम कैसे निर्णय लेते, मेजोरिटी से निर्णय लेंगे। हम कहेंगे ज्यादा लोग किस बात को कह रहे हैं, उस बात को ठीक मान के स्वीकार कर लो, ठीक है। हर समाज में, हर राजनीति में ऐसे ही निर्णय लिए जाते हैं कि मेजोरिटी क्या है, जहाँ बहुमत है वहाँ सत्य है, ठीक है। सामाजिकता यही कहती है कि जहाँ बहुमत है वहाँ सत्य है। और आचारांग सूत्र कहता है सर्वत्र सम्मतम पावम, पाप एक ऐसा है जहाँ सर्वत्र सम्मति होती है, जहाँ सर्वत्र सम्मति है वो पाप है। धर्म ऐसा है जहाँ सर्वत्र सम्मति हो ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म आत्मानुभव से है और आत्मानुभव सार्वजनिक हो ही नहीं सकता। धर्म आत्मवेद का नाम है, आत्मानुभव का नाम है, और आत्मवेद और आत्मानुभव कभी सार्वजनिक नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म के लिए तुम बहुमत जुटाने की कभी कोशिश मत करना, धर्म तो आत्मज्ञान में है। जहां सर्वत्र सम्मति है वहां पाप होगा, वहां धर्म नहीं होगा। एक बार जब हम गृहस्थ जीवन में थे, फिल्म भी देखते थे, दुनिया भी देखते थे, तो एक सवाल पैदा हुआ कि ये जो दुर्जन लोग होते हैं वो बड़े संगठित रहते हैं, ये सज्जन लोग कहलाते हैं ये बड़ा असंगठित रहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चल रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सवाल ही आता आपके अंदर कि सज्जनों को एक मुश्त नहीं देखा जाता, दुर्जन बड़े एक मुश्त होते हैं। अब आतंकवादी का गिरोह है तो बड़ा एकजुट होकर के काम कर लेता है, और कोई धार्मिक जनता का ग्रुप है तो क्या होगा, क्या होगा? हम सबको स्थितियां पता है, हर धर्म संघ की, हर धर्म समाज की क्या स्थितियां होती है। तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है। जो चोरों का ग्रुप है एक साथ रह जाता है, डाकुओं का ग्रुप एक साथ रह जाता है, लुटेरों का ग्रुप एक साथ रह जाता है, और ये सामाजिक कहलाने वाले, धार्मिक कहलाने वाले लोग हैं, ये एक साथ नहीं रहते, इसके पीछे कारण क्या है? मैंने तो बहुत खोजा, आपने खोजा हो तो कुछ बताइएगा मेरे को भी कुछ। हाँ, देखने का दृष्टिकोण तो चोरों का भी अलग अलग है, फिर भी एक साथ रह लेते हैं। डरते हैं वे लोग कौन, चोर लोग डरते हैं, धार्मिक लोग डरते हैं? जी नहीं जी, चोर लोग तो दुस्साहसी होते हैं, धार्मिक लोग डरपोक दिखाई देते हैं। आप समाज में जाकर के देख लो, धार्मिक लोग हमेशा डरते रहेंगे, दूसरा क्या कहेगा, फला क्या सोच रहा होगा, मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा। चोरों को तो परवाह ही नहीं होती दूसरा क्या सोचेगा, क्योंकि दूसरे को उनको देखना होता तो चोरी कैसे करते। हाँ, गोल ओरिएंटेड होते हैं चोर लोग। अच्छा, सज्जनों का कोई गोल नहीं होता? गोल तो उनका भी होता है, गोल वे भी बनाते हैं, सज्जन लोगों के भी गोल होते हैं। अच्छा, चोरों की तो विचारधारा एक है क्योंकि सबने लूटना है, और जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी एक विचारधारा नहीं हो सकती क्योंकि किसी को नरक में जाना है, किसी को स्वर्ग में, ऐसा उनको भी तो मुक्त होना है सारे धार्मिकों को। धार्मिक लोग कम ही होते हैं, सामाजिक लोग ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, धार्मिक लोग होते ही कम है, धार्मिक होते तो बात ही कुछ और होती है, तो सामाजिक होते हैं। समाज में जैसे और सारे कर्म करते हैं, वैसे सारे कर्मों के बीच में धर्म भी हमारा एक कर्म का हिस्सा बन जाता है, और हम उसको भी अपना आवश्यक कर्म समझ करके पूरा कर लेते हैं, इसीलिए हम धार्मिकों का क्या ग्रुप माने। ठीक कह रहे हो, ये बात से मैं राजी हूँ। लेकिन पता है क्या होता है, वहाँ सबको स्वार्थपरता होती है, इसीलिए लोग एक साथ बने रहते हैं।
चोर डाकू आतंकवादियों को सब लोग अपने अपने सुविधा और स्वार्थ से जुड़े रहते हैं, इसीलिए एक रहते हैं। और जहाँ भी हमें सुविधा और स्वार्थ का एक मत ना हो वहाँ हमारा जुड़ाव रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सम्मतियाँ लेने जाएंगे तो ध्यान रखना सर्वत्र सम्मति पाप है। सम्मतियों के पीछे मत रहना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग फला के बारे में क्या कहते हैं, किसी सम्मति के पीछे मत पड़ना, खुद स्वमति से जानना। दो शब्द अलग अलग है, सम्मति और स्वमति। अब हम क्या करना चाहेंगे, सम्मति या स्वमति? हाँ, स्वमति। स्वमति से जानोगे तो सत्य प्रकट होगा, और सम्मतियों से जानोगे तो सबकी अपनी अपनी सम्मतियां है, और हर आदमी की सम्मति कैसी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, पूरा जगत मिथ्या है। जिसका जहाँ स्वार्थ पूरा होता है उसको वो ठीक लगता है, जिसका जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होता उसको वो ठीक नहीं लगता है। इस दुनिया के सत्य को कभी सम्मतियों से नहीं जाना जा सकता, स्वमति से ही जाना जा सकता है। इसीलिए प्रभु महावीर ने कहा धर्म को आत्मा से जानना, अनुभव कर लेना, लेकिन तुम दुनिया की सम्मतियों में जाओगे तो वहाँ पाप ही मिलेगा। पाप ही सम्मत हो सकता है, धर्म सम्मत नहीं हो सकता। धर्म को आत्मानुभव से जाना जाएगा, और आत्मानुभव जगाने के लिए हमें क्या करना, सवाल तो फिर आ जाता है। बात तो सारी समझ में आ गई, मानो मत, जानो, जानो और जियो, ये भी बात समझ में आ गई, पर जाने कैसे? एक ही काम करो, बहुत प्रारंभिक स्तर से लेकर के अंतिम स्तर तक हमें ले जाने वाला एक छोटा सा सोपान सूत्र है, वह है कि जिन्होंने जाना उनको प्रणाम करो, जिन्होंने जाना उनका विनय करो, जिन्होंने जाना उनसे प्रार्थना करो कि जैसे आप जाने और जागे वैसे मैं भी जानूं और जाग जाऊं। प्रार्थना बदलती है, प्रार्थना से अरहत तत्व प्रकट होगा, प्रार्थना से सिद्ध तत्व भी प्रकट होगा, प्रार्थना से ज्ञान निरावरित होगा, प्रार्थना से दर्शन निरावरित होगा, और वो प्रार्थना ही होगी जो हमको अरहत सिद्ध के साथ आचार्य उपाध्याय और साधु तक की पहचान कराएगी। और प्रार्थना से पहचान प्रकट होगी, वो पहचान बाहर की नहीं करनी, हमें लोगों की पहचान नहीं करनी, हमें केवल गुणों की पहचान करनी, कौन लोग कैसे हैं हमें क्या, उसमें जो गुण है उसकी प्रार्थना करो, उसकी अभ्यर्थना करो, उसकी स्तुति करो, उसको प्रणाम करो। कोई कैसा भी हो हमें क्या, सब गुण, सब में गुण है, सब में गुण है। ऐसी दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसमें गुण नहीं है। इसलिए एक ही काम करो, गुणों की प्रार्थना करो। गुरु वह जो गुणों में रुचि पैदा करवाए, जो हमारी रुचि गुणों में पैदा करवा दे वो गुरु, जो हमारी दृष्टि को ऐसा बना दे कि हम सर्वत्र गुण देख सके वह गुरु। इसीलिए गुणग्राही बन जाओ, यही प्रार्थना हो हमारी। सुबह उठे तो गुणों की मांग करे, शाम सोने जाए प्रार्थना करे तो गुणों की मांग करे, सबके लिए गुणों की मांग करें, खुद में भी गुण प्रकट हो जाएंगे। लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते, दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, ना बंधे खुदे ना रखें औरों को शर्तें, ना बंधे खुदे ना रखें औरों को शर्तें, हो भला हो भला हो भला सबका।